जय छत्तीसगढ़ संगवारियों, कैसे आप सब, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राहुल जोगी ब्लॉग्स में। आज हम आप लोग को लेके आए हैं रेंगाडी। रेंगाडी में नीम के पेड़ में हनुमान जी का जो गदा होता है प्रकट हुआ बना हुआ है, आकार ले लिया है पेड़ में अपने आप। तो देखते हैं आप लोग को, अगर आप लोग गूगल मैप में भी डालोगे तो आप लोग को मिल जाएगा रेंगाडी करके गाँव है, बलौदा बाजार के पास पड़ता है, तो आप लोग को लोकेशन मिल जाएगा। वहाँ के लोग से बात भी करेंगे कि कौन पहले देखा और किसको पता चला ऐसे करके। रायपुर से दूरी की बात किया जाए रेंगाडी की तो 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है, और अपने भिलाई से बात किया जाए तो 80-90 किलोमीटर की दूरी पर है। आप लोग मैप में डालोगे तो आप लोग को आसानी से मिल जाएगा लोकेशन। गाँव के लास्ट में पड़ता है, ये इस टाइप का बोर्ड पड़ता है, देखो यहीं पे ही आगे दो तालाब पड़ते हो कि बीच में है। आप लोग ये दो तालाब दिख रहा होगा आप लोग को, यहीं पास ही आप लोग को दिख जाएगा। गांव के लास्ट में आओगे, यहाँ पे दो ठो तालाब है, ये तालाब है, ये तालाब है। लास्ट में यहाँ पे आप लोग को एक पेड़ मिलेगा, नीम का पेड़ है यार, देखो कितना बड़ा सा नीम का पेड़ है, उसी के नीचे गधा प्रकट हुआ है। ये चमत्कार से कम नहीं है, ये चमत्कार से कम नहीं है ये गधा निकलना। रहे सब लोग दर्शन करके जा रहे हैं, और भैया आप लोग को हमेशा मिल जाएंगे यहाँ पे, बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा भी है, और ये दिख रहा है ये अलग से, देखो यहाँ से गधे के रूप में दिख रहा होगा, जो हनुमान जी का गदा रहता है उसके रूप में बन गया है। और यहाँ पे सब लोग पूजा पाठ करने भी आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए और चमत्कार को देखने के लिए। इसको एक चमत्कार ही बोल सकते हैं। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति रखी गई थी, तब ये नहीं था, हनुमान जी जब यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई उसके बाद यहाँ पे गधे का आकार लिया गया है। तो यहाँ पे भैया है, आपका नाम क्या है भैया? संपत दास मणिपुरी। तो ये आप ही स्थापित किए गए यहाँ पे मूर्ति? जी। अच्छा, तो कब स्थापित किए थे मूर्ति यहाँ पे? लगभग 15 साल हो गए। 15 साल तो, और ये जो गधा के रूप में जो बना हुआ है वो कब बना? 3 साल के अंतराल में। 3 साल के अंतराल में, वो ये तो चमत्कारी है। जो बिठा है ना, हाँ, परिवार में 3 साल के अंतराल में ही यानी कि गधा की उत्पत्ति हुई। अच्छा, लाइफ में कुछ घटना हो रही इसी बार? हाँ, ये शंकर भगवान जो बजरंगबली जी है, माँ दुर्गा है, ये सब में पूजा पाठ कराता है, और उनके अंदर बेन बेसी कराता था हमने। तो बहुत दिन हो गए पूजा पाठ करत करत, विदिश समय सन 2000 में मोर शादी हुई से, तब मैं बैसाखी सहारा से चलत रहे पहली में है,
अच्छा बाद में ये हुई कि अचानक अचानक क्या है, वो बात ऐसे है कि 5 साल की मगर लड़की पैदा हुई इसके लिए 5 साल की लड़की रही से तीन पैदा हुई से उसके बाद में वो देखा जो है ऑटोमेटिक देहांत हो गया होगा। तब मन में मोर एक भाव उत्पन्न हो गए जब मैं शंकर भगवान जी आपके में बेनबे से यानी कि आज तक हो गए मैं हाँ श्रद्धा से उपवास रहा था उपवास और मन्नत मांगा था कि मोर बेटी के शरीर के रक्षा करे 12 घंटा के अंतराल में मोर लड़की की देहांत हो गया। तब नाम है कि जो बजरंग बली की मूर्ति छोटे से मूर्ति छोटे छोटे मूर्ति नहीं आते बेचारे पर वैसे आ रही से घर मंत्री में पूजा करात रहे बढ़िया और अचानक एक घटना हुई ना तब में है फोर फोर के साइड में जो डबरी है नहीं मोर घर के माँ में फेंक दे रहे हम 3-4 साल के अंतराल में फिर से बजरंग बली जी तो उन्हें और ऊपर प्रकोप हो गए वहाँ प्रकोप हुई से तब ऐसे प्रकोप हुई इसकी में है एक 5-4 फिर एक काबिन भी रहे हैं यहाँ तक हो गई रही इसकी में खटिया में एक प्रकार से जो भी चीज़ होती रही ना खटिया में ही होती रही से नहाना खोरवाना है 2 आदमी पकड़ के दे गए थे मैं नहावत खोरत रहा मैं सब चीज़ होती रही से खाना पीना भी यानी कि खाना है तेनों हाँ ठीक से खाना भी नहीं खा सकते रहे हैं एक पाँव चलना भी मुश्किल हो गई इसमें जो स्थिति जो तेना ओकर बाद पड़ोसी आदमी बोलते मोर मौसाई जन है कि संपत का है कि तेहाँ कोई देवी देवता का अपमान करेज बेटा यहाँ तक तो मोर शरीर पूरा पीला पड़ गई इसकी गांव का आदमी मन भी कहा कि ये लड़का नहीं बचाए अब पीछे ऐसे हुई से तब अपमान करे देवता के तब वो देवता के जिन अपमान करे हैं तब सम्मान कर बे तब तेहाँ चल फिर सकता चाहे ये दुनिया देख सकता जो वही से तब मैं हाँ ठीक है भाई गलती तो है मोर से काहे प्राण पुत्र दौ बड़े कि थे प्राण से बढ़ के पुत्र होते ओकर यही में मन के दुख में बजरंग बली जी मन के मूर्ति मन सदा फेंके रहे हम में है इसे की के ओकरे ते हैं सम्मान कर दे जेकर अपमान करे ते जरूर भगवान पूरा करी ये बोली से तमें कि था ठीक है इसे की ना अपन मन में है ओकर यही करें ओकर बाद में जैसे जैसे मोर पिताजी मोर आगे में मोर पिताजी हवा वह पूरा नेव पढ़े के शुरू करी से जैसे जैसे नेव पढ़ा दी इसने वैसे वैसे यानी कि धीरे 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 करके मोर पैर के जो दर्द है शरीर के दुख दर्द है ये सब चीज़ कटत गई स्थापना करे में कर स्थापना करे में पूरा ठीक हो गए आज में है लगभग लगभग दे चलत फिरत हमें है बिना बैसाखी के सहारा से चलत हमें पहली तो मैं 99 में भी बैसाखी में चलत रहे नहीं चलत रहे वाला बात नहीं है मैं ये सब स्थिति गुजरी से और दूसरा बात एक ठन आप मैं एक वो बता था कि कभी कभी बजरंग बली जी है तेन अपन जरूरत के चीज़ मांग करते हैं जो स्थिति मोर है तेन फिर जस की तस हो जाते हैं दर्द में फिर भी व्यस्त हो जाता हूँ फेरे कर दिए जने हैं और चोला चढ़ाना नारियल चढ़ाना ये सब चीज़ की मैं तैयारी करता हूँ ना तब यानी कि मोर यानी कि दूर कर दे पूरा दूर हो जाते हैं इतना बात है बोलिए बजरंग बली हनुमान की जय संकट मोचन महावीर की जय। तो आप लोग को पूरा अगर मेला जो है ना भैया शनिवार और मंगलवार के भव्य मेला इसे रखते हैं अच्छा शनिदेव जी के पूजा पाठ भी होते साइड में बजरंग बली जी के भी होते यार आप लोग को पूरा बता दिए भैया क्या 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 भैया के साथ हुआ है और भैया यहाँ पे मूर्ति को यहाँ पे किए हैं और ये नीम का पेड़ है आप लोग भी आओ यार दर्शन करने चमत्कार हुआ है पेड़ में अवतार जी तो ये है ना ऐसे रही से अच्छा छोटे से रही गेंद के आकार में रही से उसके बाद में ना वो शरारती लड़का मैंने छोड़ के ना बंधन चढ़ा दे रही से अच्छा अब हम अन्ना दोस्ती यारी में जाना तो है कि ये गदा रूप दिखी का ऐसे टाइप के अनुभव अब धीरे धीरे करके जो बजरंग बली जी के गदा जो नहीं थे ना अपन असली रूप में आ गए हैं अच्छा
और धीरे धीरे बढ़ भी रहा है क्या गधा? बढ़ रहा है ना। अच्छा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। दो ढाई साल के अंतराल में एक साइज जोन अपना है। अच्छा अपन गौर से एक ठन चीज और देखो कि ये जैसे कि बजरंग बली जी की गधा है वो डबल भाग में है, आप देख सकते हैं यहाँ से ना एक खंड अलग हुआ है इसका और एक खंड अलग हुआ है। यहाँ से इसका जो है साफ पता चल रहा है, यहाँ से इसी वहाँ से ऊपर एक हो गए हैं। देखो बीच से अलग अलग जैसे गधा रहता है ना वैसी बीच से अलग अलग है। देखो पूरा एकदम गधा के रूप में ही दिखेगा ऊपर से, देखो नीचे से पूरा एकदम पूरा गधे के रूप में ही, पूरा गधे के रूप का ही आकार बना हुआ है। और यहाँ पे दर्शन करने से आप लोग कुछ भी मांगोगे ना तो सब पूरा होता है, यहाँ का ये मान्यता है। तो आप लोग को यहाँ के बारे में पूरा बता दिए हैं भैया से, आप लोग भी आओ यार थोड़ा, आप लोग भी आओ यहाँ पे, चमत्कारी गधा यहाँ पे निकला हुआ है, भी आके दर्शन कर सकते हो। गूगल मैप में भी आप लोग लोकेशन डालोगे ना तो आराम से यहाँ पे आ जाओगे, सीधा सीधा रोड है। तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नए सफर में नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक।